हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए वीडियो में दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A80 की थीम के बारे में, जिसकी थीम आप अपने वीवो स्मार्टफोन में इंस्टॉल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। तो देख सकते हैं दोस्तों, आई थीम में आपको कुछ इस तरह का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको थीम अप्लाई करना नहीं आता या थीम अप्लाई करने में कोई दिक्कत होती है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक है, तो जाके वीडियो देख लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने थीम अप्लाई कर ली। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सा वॉलपेपर आ चुका है, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल का लग रहा है। तो दोस्तों, ये थीम आपके डीएस को पूरी तरह बदलने वाली है। देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कमाल के फुल HD प्लस आइकन्स आपको इस थीम में देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों, थर्ड पार्टी एप्स के भी आइकन्स देखने को मिलते हैं, गूगल के आइकन्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों देखने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है दोस्तों। तो आप दोस्तों अपने हिसाब से होम स्क्रीन एडजस्ट कर लीजिएगा गैलेक्सी की तरह दोस्तों, जिससे कि दोस्तों आपका डीएस कम्प्लीट गैलेक्सी A80 की तरह लगने लगे। तो दोस्तों, इस थीम में आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की लॉक स्क्रीन मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, सबसे डिफरेंट आपको इस थीम में चार्जिंग एशियन भी देखने को मिलने वाला है गैलेक्सी की तरह। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कमाल की लॉक स्क्रीन लग रही है हमारी। साथ साथ दोस्तों, हमारा बहुत ही बड़ा सा न्यू चार्जिंग एशियन भी इसमें आपको मिलने वाला है दोस्तों। देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है दोस्तों चार्जिंग एनिमेशन। और दोस्तों, आपको नीचे जो कैमरे और फोन का आइकन दिख रहा है, वो भी दोस्तों वर्किंग देखने को मिल जाता है इस थीम में। और देख सकते हैं दोस्तों, क्लॉक स्टाइल भी पूरी गैलेक्सी की तरह ही आपको इस थीम में चेंजेस देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों इस थीम के डायलर की। तो डायलर देख सकते हैं दोस्तों, पूरी तरह आपको ब्लू कलर में देखने को मिल जाता है। सबसे डिफरेंट दोस्तों, आप एक ही डायलर यूज़ करके बोर हो चुके हो तो आप ये दूसरा डायलर ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। डायलर की थीम आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की इस थीम में देखने को मिलने वाली है। तो कंट्रोल सेंटर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन पैनल भी दोस्तों आपको नॉर्मल देखने को मिलती है, मैसेज सेंटर में भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले इस थीम में। तो बात करते हैं दोस्तों इस थीम की सेटिंग UI। तो सेटिंग UI दोस्तों आपको सबसे डिफरेंट देखने को मिलने वाली है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ऑन ऑफ के बटन आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, पर दोस्तों सेटिंग UI के पूरे आइकन्स आपको इस थीम में सबसे ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें नेविगेशन कस्टम देखने को मिल जाते हैं गैलेक्सी की तरह। देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसमें 3 टाइप्स की डिफरेंट नेविगेशन कीज आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। एक गैलेक्सी की मेन जो की है नेविगेशन की, दूसरी दोस्तों आपको S10 वगैरह की देखने को मिल जाती है, और तीसरी दोस्तों आपको शाम की तरह देखने को मिल जाती है, जिससे कि दोस्तों आप अप्लाई करके एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। तो आप भी दोस्तों इन नेविगेशन कीज ट्राई करें, ताकि दोस्तों आपका डीएस कम्प्लीटली गैलेक्सी A80 में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों, सिस्टम अपडेट्स में कस्टम 1 UI का लोगो देखने को मिलता है, और दोस्तों अबाउट फोन में भी आपको 1 UI लिखा देखने को मिल जाता है, जिससे कि दोस्तों आपका डीएस पूरी तरह से सैमसंग UI में कन्वर्ट होने वाला है 1 UI में दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में यही थीम के बारे में हम बात ही करने वाले थे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इतने ही चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्लॉक वगैरह आपको इस थीम में नॉर्मल देखने को मिल जाती है, लॉक स्क्रीन वो सब आपको बहुत ही कमाल की देखने को मिलती है इस थीम में, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और बाकी सब कुछ भी आपको इस थीम में चेंजेस देखने को नहीं मिलते, ना ही दोस्तों कंट्रोल सेंटर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।